हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या वॉल्ट वीक है, या फिर मैं ये भी टाइटल में डाल सकता हूँ कि वेल्ट्रेक की पावर वॉल्ट ने अभी तक पूरी तरह अनलीश नहीं किया है। चलो छोड़ो, बात मुद्दे की यह है कि हम लोगों को अभी तक वेल्ट्रेक की ट्रू पावर देखने नहीं मिली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो तुम लोग, जरा भी ऑफेंड मत हो, क्योंकि तुम लोग को अभी मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा और ये वीडियो को एंड तक देखना, जिससे तुम लोग स्किप ना करो, तुम लोग को ये वीडियो समझ में आएगी। तो वीडियोस पे जितनी लाइक्स आते रहेगी उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग की ये कन्वर्सेशन होने वाली है कि जो वॉल्ट है अभी तक वेल्ट्रेक की थ्रू पावर को अनलीश नहीं कर पाया है। जी हाँ, अनलीश नहीं कर पाया और ना कि उसका पूरा पोटेंशियल लेके आ पाया। अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि भाई वॉल्ट वर्ल्ड चैंपियन है यार, तू क्या बोल रहा है। देखो भाई, वॉल्ट वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन मैं तुम लोगों को शुरुआत से वॉल्ट की जर्नी बताता हूँ। देखो, तुम लोग जानते ही होगे कि जो वॉल्ट है वो अभी तक अपने ब्लेड को मास्टर नहीं कर पाया है, क्योंकि उसने अभी तक वेल्ट्रेक की थ्रू पावर को अनलीश नहीं किया है। देखो, मैं तुम लोगों को यही बात बता देता हूँ, जब एवोल्यूशन और जब सीजन 1 में हम लोगों को दिखाया गया था, तो वॉल्ट जो है इतना नौसी गया था कि मालूम है वो अपनी ब्लेडिंग भी। तो मैं तुम लोगों को एग्जांपल के लिए वर्ल्ड टूर्नामेंट ही बता देता हूं, जो बेब्लेड बस एवोल्यूशन में हुआ था। जब वॉल्ट जो है फ्री के साथ फाइट कर रहा था, तो लगभग तुम लोग ही सोचो, वो आग बंद करके फाइट कर रहा था। मतलब वो जो है वेल्ट्रेक से पूरी तरह उम्मीद रख रहा था कि वेल्ट्रेक जाके अटैक करे। तुम लोग में से जितने लोगों ने भी बेब्लेड बस सीरीज को एकदम ध्यान से देखा है, तो तुम लोग जानते होगे कि जो वेल्ट्रेक जो अटैक करता है वो अपनी मनमानी से अटैक करता है, वो वॉल्ट की सुनता भी नहीं है। लिटरली मतलब वॉल्ट के दिमाग में कोई प्लान नहीं रहता, बस उसको जो है सामने वाले के साथ बैटल जो है एंजॉय करना है। एग्जांपल के तौर पे देखो, इवन रंतारो के साथ वो फाइट कर रहा था, तो वेल्ट्रेक को जो है किस तरह उसे जीतना है तो वही जजमेंट करता है। जैसे कि फ्लैश लॉन्च, अल्ट्रा फ्लैश लॉन्च, ये कौन करता है, वेल्ट्रेक ही करता है। और हर जगह एग्जांपल के तौर पे एक और एक चीज है, अगर तुम लोग स्टेडियम का स्लोप देखोगे तो वहां पे एक ऐसी लाइन बनी हुई रहती है जहां पे वेल्ट्रेक जो है खुद से जाता है, मतलब ऐसी लाइन पे जाता है और उसकी जो है वेल्ट्रेक की पावर इतनी बूस्ट हो जाती है अचानक कि वॉल्ट को भी नहीं पता रहता कि वो क्या कर रहा है, और उस वजह से वो अलग अलग स्पेशल मूव लगाता है, जैसे कि अल्ट्रा फ्लैश लॉन्च, फ्लैश लॉन्च, स्विंग लॉन्च और ऐसे बहुत सारे मूव। और जो वेल्ट्रेक का जो पोटेंशियल है वो इतना है कि अगर वो स्टेडियम के किसी भी कॉर्नर से टच होता है तो वो अपने आप को रेंडमली इतना बड़ा बूस्ट देता है कि वो एक ही बार में कोई भी ब्लेड को बर्स्ट कर सकता है। इस वजह से उसको एक टॉप अटैक टाइप ब्लेड में जोड़ा जाता है। अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि वॉल्ट ने पूरी तरह कंट्रोल कर दिया है वेल्ट्रेक को, तो मेरा आंसर नो रहेगा, क्योंकि जो वेल्ट्रेक का जो उसने कंट्रोल करने की बात ही अलग है। वेल्ट्रेक का उसने अभी अभी मतलब थोड़ी थोड़ी पावर को सीख रहा है कि वेल्ट्रेक किस तरह से काम करता है। वेल्ट्रेक एक अटैक टाइप है और अटैक टाइप बे सिर्फ और सिर्फ अटैक करते हैं, रश करते हैं, मतलब सामने वाले का जो ब्लेड रहता है उसको बस अटैक पे अटैक करना रहता है। और ये भी बात है कि अटैक टाइप बे की जो है स्पीड बहुत जल्दी कम हो जाती है, इस वजह से जो है इतने कम टाइम लिमिट में भी वॉल्ट जो है पूरी तरह सोच नहीं कर सकता और ना इतना प्लान बना सकता है। तो यहाँ पे वेल्ट्रेक जो है पूरी तरह काम सब अपना ही करता है। इवन बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में भी किया था और इवन बेब्लेड बस्ट टर्बो में, अगर तुम लोग को याद नहीं होगा तो बेब्लेड बस्ट टर्बो में लुई और वॉल्ट की फाइट होती है, तो वहां पे तुम लोग ने ध्यान से देखा होगा कि वहां पे एक बार लुई उसको वॉल्ट को इतनी गंदी तरीके से बर्स्ट करता है कि उसे पता भी नहीं रहता। फिर उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ कोर्स वॉल्ट जीता है, और जब थर्ड राउंड जो होता है वहां पे वेल्ट्रेक अपनी मर्जी से चलता है, जिसकी वजह से वो मैच ड्रॉ हो जाता है और स्टेडियम की तो हालत ही खराब हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब वॉल्ट ने जो है हाइट के साथ फाइट की थी, तो वहां पे भी जो है वो वेल्ट्रेक की न्यू पावर्स को समझ नहीं पाया था। पॉइंट नोटिस करना, मैं बेब्लेड बस टर्बो की सेकंड वाले ब्लेड की बात कर रहा हूँ, जो है टर्बो बेब्लेड, चोजी बेब्लेड। अब यहाँ पे जो बात आती है वो है कि ये पावर को समझने के लिए वॉल्ट को लगभग फ्री से कितनी बार हारना पड़ा था और लगभग जाके वो है उसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर पाया था। और अगर मैं तुम लोग को वॉल्ट वर्सेस हाइट के बारे में बताऊं, तो वहां पे जो है वॉल्ट जो है पावर को फिर से समझ नहीं पाता वेल्ट्री की पावर को या वेल्ट्रेक की पावर को, तो वहां पे वेल्ट्रेक से वो खुद बात करता है उसकी स्पिरिट के साथ। वही नेक्स्ट मैच में वेल्ट्रेक जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब इसका सारा एग्जांपल तो यही जाता है कि जो है वॉल्ट और वेल्ट्रेक की बॉन्ड इतनी ज्यादा गहरी है जिससे वॉल्ट को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा काम तो वेल्ट्रेक कर लेता है। अगर देखोगे तो सारे ऑर्डर्स जो है वेल्करी ही करता है और वेल्करी अपने हिसाब से चलता है। अगर तुम लोग ये मान लो कभी वॉल्ट जो है वेल्करी की पोटेंशियल को अनलीश कर पाएगा और उसको अपने हिसाब से चला पाएगा,
जाएगा तो वो लगभग स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर बन जाएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेड बन जाएगा अगर वेल्ट्रिया की पावर को वो पूरी अनलीश कर पाएगा और समझ पाएगा तो। वॉल्ट एक अच्छा ब्लेडर या मास्टर ब्लेडर को कह सकते हैं बन चुका है, लेकिन एक चीज मुझे और चीज इसके अंदर ऐड करना है कि जब भी वॉल्ट जब फाइट करता है तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो स्ट्रॉन्ग है इस वजह से ही नहीं, उसकी लक बहुत ज्यादा है। अगर तुम लोग देखोगे बेब्लेड वर्स की पूरी हिस्ट्री में वॉल्ट ने जो है और वॉल्ट की लक ने उससे बहुत ज्यादा साथ दिया है, तो यही एक वन ऑफ द रीजन है कि वॉल्ट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो फिलहाल वॉल्ट एक एक्सपीरियंस प्लेयर बन गया है, लेकिन वैल्करी की पूरी पावर को समझना और अपने एक्सपीरियंस को यूज करना उसे एक अनबीटेबल प्लेयर बनाएगी, और जब वॉल्ट आवे को शायद ही कोई हरा पाएगा। अब यहाँ पे तुम लोग मुझसे आर्ग्यूमेंट करोगे कि भाई फिर वेल्ट्रिया का क्या है। बेसिकली जो है ना, वॉल्ट और वेल्ट्रिया में एक इतना अच्छा कनेक्शन है इन दोनों की स्पिरिट या बिट बीस्ट का, ये कनेक्शन की वजह से ही वेल्ट्रिया जो है वॉल्ट से इतना जुड़ा रहता है कि वॉल्ट को ऐसा लगता है कि पहले ही पता चल जाता है कि वेल्ट्रिया क्या करने वाला है, या फिर ये दोनों की जो सोच है वो एकदम सिमिलर हो जाती है या सिंक हो जाते हैं, ये लोगों का माइंड एक साथ चलने लगा है। तो यही एक चीज है कि इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है और कनेक्शन है उसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर बनता है। और बहुत से लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि क्या वॉल्ट अभी भी वर्ल्ड चैंपियन है, तो वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं है, मतलब उसके पास बेल्ट नहीं है वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल का, वो अभी भी आइगर के पास है, लेकिन वॉल्ट एक नंबर वन ब्लेडर जरूर है। अगर हम लोग ये सारी चीज देखे तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि वॉल्ट ने अभी तक वेल्ट्रिया की पावर को पूरी तरह अनलीश नहीं किया है और ना कि मास्टर किया है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज कुछ नया जानने मिला है और आपकी एक मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट रोज देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी 2 लाख तक पहुंच सके। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो और साथ ही साथ मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।